अगली खबर है मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर शहर की, जहां एक दोस्त द्वारा अपने ही खास दोस्त पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला उल्लासनगर के अंतर्गत आने वाले हिल लाइन पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है, जहां एक दोस्त ने अपने खास दोस्त के पेट में इसलिए धारदार चाकू घोंप दिया क्योंकि उसने अपने दोस्त की बहन की तस्वीर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा रखी थी, जिसके बाद इस बात को लेकर दोनों के बीच पहले कहा सुनी हुई और देखते ही देखते बात खून खराबे में तब्दील हो गई, जिसके बाद आरोपी विजय रूपाणी ने अपने दोस्त पंकज कुकरेजा के साथ मिलकर अपने ही दोस्त रोहित कंजानी पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में रोहित बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हैं। हिल लाइन पुलिस ने कथित आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 326 और 307 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। और इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी विजय और पंकज उल्लासनगर के नेताजी चौक इलाके में आने वाले हैं, जहां पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें समय रहते धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोटरबाइक भी बरामद कर ली है। इस मामले की जांच हिल लाइन पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत ठाकरे कर रहे हैं। यामध्ये फिर्यादी आहे रोहित महेशलाल कांजन आणि आरोपी आहेत विजय रूपाणे आणि पंकज कुकरेजा। हे पहिले मित्र आहेत, मित्र होते, आणि यातील फिर्यादीने यातील आरोपीने विजय याच्या बहिणीचा फोटो मोबाईलचे स्टेटसवर ठेवला। या रागाने त्या दोघांमध्ये पहिल्यांदा वाद झाले होते आणि त्याच वादाच्या कारणावरून दिनांक 26/12/2021 रोजी रात्रो 12:30 वाजे दरम्यान पंचरत्न बिल्डिंग आहे प्रभात गार्डनजवळ, तिथं त्या दोघांनी आरोपींनी दोघांनी मिळून या कारणावरून फिर्यादीला मारहाण केली आणि चाकूने त्याच्या पोटावर वार केला होता। सुरुवातीला याच्यामध्ये भादवी कलम 326 प्रमाणे गुन्हा दाखल झाला होता, परंतु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या आलेल्या प्रमाणपत्रावरून सदरची जी जखम झाली आहे ती त्या मृत्यूस कारणीभूत होऊ शकते असे त्यांनी सांगितल्यावरून यामध्ये 307 प्रमाणे कलम वाढवून आरोपींना अटक केलेली आहे। आरोपींची पोलीस कस्टडी घेऊन आरोपींकडून गुन्ह्यात वापरलेले हत्यार आणि गुन्ह्यात वापरलेले वाहन जप्त करण्यात आलेले आणि या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक ठाकरे साहेब करत आहेत।